हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप अपना वाईफाई यहां पर खोलते हैं और इसके अंदर जाते हैं, या फिर तो यहां पर जब भी आप सर्च करते हैं कनेक्शन, तो यहां पर गाइज आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुडंट ऑथेंटिकेट कनेक्शन। तो ऐसी आपको प्रॉब्लम आती है गाइज, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसी कमाल की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या करना होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप इन स्टेप्स को कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको वाईफाई के अंदर चले जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वाईफाई ऑन कर देना है। इसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है, एडवांस में जाना होगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिटेक्ट सस्पिशन नेटवर्क, यहाँ पर इसे ऑन कर देना है गाइज, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो सेफ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज नेटवर्क्स में चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिलीट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर डिवाइसेस हैं गाइज, सबसे नीचे आपको जाना होगा। इसके बाद जो आपको यहाँ पर जिससे यहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं है, जो आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करते, तो उन्हें आपको सेलेक्ट कर लेना है सभी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है गाइस, डिलीट कर देना है। अगर आप पूरे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस, यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 56, तो यहाँ पर आप डिलीट कर दीजिए गाइस। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट 2.0, यहाँ पर इसे ऑन कर देना है गाइस, अगर ऑफ रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। फिर इसके बाद जो नेटवर्क है गाइस, यहाँ पर फॉरगेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने फॉरगेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है, जिसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है गाइज, आप ये स्टेप्स कर लीजिए। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप्स बताया वैसे वैसे कर लीजिए गाइज, जिससे आपकी प्रॉब्लम जैसे वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।